हिंदू धर्म में सावन का महीना विशेष महत्व रखता है। भोपाल के शिव मंदिरों में आज सुबह सावन के दूसरे सोमवार पर श्रद्धालुओं की कतारें लगी रही। शहर के गोविंदपुरा में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर दूध अभिषेक कर विशेष पूजा अर्चना की। भोपाल में सावन सोमवार के अवसर पर भोजपुर सहित शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। सावन के सभी सोमवार का अपना महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार पांचवा महीना सावन कहलाता है। इसी साल सावन 25 जुलाई से शुरू होकर 22 अगस्त तक रहेगा। इस दौरान कुल 4 सोमवार पड़ेंगे। भगवान शिव की आराधना के लिए सावन का महीना सर्वोच्च महीने में से एक माना गया है। सावन के दूसरे सोमवार को गोविंदपुरा में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर पर श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर दूध अभिषेक कर विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर के पुजारी ने कहा कि सावन सोमवार शिव भक्तों के लिए विशेष दिन माना जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर में आज के दिन बड़ी संख्या में लोग पूजा करने पहुंचते हैं। हिंदू धर्म अनुसार ये श्रावण मास का महीना भगवान भोलेनाथ के लिए अति प्रिय है बोला गया है। कई पुराणों में इस बारे में प्रसंग मिलता है। शिव पुराण में इसका विशेष उल्लेख मिलता है। यहाँ आजकल क्या धर्मशास्त्रों के ज्ञाता कम लोग हैं, सभी लोग शिव पुराण पढ़ते नहीं, पढ़ नहीं पाते हैं। हम लोग घर में संस्कार भी नहीं दे पाते हैं बच्चों के लिए। श्री पशुपतिनाथ मंदिर में कई साल से श्रावण मास के द्वितीय सोमवार को विशाल कावड़ यात्रा के साथ सवाकंडल दूध से अभिषेक किया जाता था, परंतु प्रकृति ने ऐसे मारा, कोविड नाम की बीमारी फैली, उससे गत 2 वर्ष से बड़े धूमधाम से कार्यक्रम को नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी मंदिर के जो परंपरा है उसको न टूटे, उसके हिसाब से सूक्ष्म रूप में भले ही हो, हमने आज कावड़ यात्रा भी लाए, जलाभिषेक किया, दुग्ध अभिषेक कर रहे हैं, अभी चल रहा है। भगवान पशुपतिनाथ से हम यही कामना करते हैं कि ये दुखद बीमारी को संसार से मुक्त करे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।